technology definition kya hai? Computer, it is an electronic device. It works with the electricity. Same thing kya hai? Yahan pe slide mein dekh sakte hai. A machine that can store data, find and arrange data, calculate amounts and control other machines. अब ये थोड़ा सा अंग्रेजी समाचार है, मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसी मशीन जो डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा को अरेंज करने का काम करता है वहाँ पे, और दूसरे मशीन्स को भी ऑपरेट करने का काम करता है, या कोई भी कैलकुलेशंस होते हैं जैसे ऑटोमेटिक एंड लॉजिक्स, अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, वो भी यहाँ पे वो करता है, कर सकता है. और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर कर पाता है, वो आपको पता ही होगा. आजकल हर एक, लाइक आप देखोगे स्कूल और कॉलेज ले लो, वहाँ पे भी कंप्यूटर मिलेगा. हर एक ऑफिसेस में आपको मिलेगा, बड़े बड़े एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको कंप्यूटर मिलेगा डेटा हैंडलिंग करने के लिए. या फिर आप देखोगे स्टोर रहते हैं अलग अलग, वहाँ पे बिलिंग के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है. डॉक्टर्स भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, पेशेंट भी यूज करते हैं. आई मीन टू से बहुत सारी जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें तीन कैटेगरी होती है डिवाइसेस की. एक इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस. अब इनपुट डिवाइसेस यानी जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं, जिन डिवाइसेस के थ्रू मैं कंप्यूटर में डेटा देता हूँ उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है. दूसरे डिवाइसेस होते हैं प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू, जो कि इमेज में आपको सामने दिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है. जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो कीबोर्ड और माउस से, वो प्रोसेस करता है कि भाई इसे क्या कहना है, इस इंसान की इंस्ट्रक्शन को क्या कहना है. इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, मशीन को समझाता है और मशीन को बोलता है कि इसका आउटपुट दे, और वो आउटपुट आता है आउटपुट डिवाइसेस पे, जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है. तो इनको जरा डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और इसका आउटपुट क्या क्या होता है. मैंने दोस्तों डिवाइसेस को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले मैं कीबोर्ड और माउस के बारे में बताना चाहूंगा. ये कॉमनली इनपुट डिवाइस है, इनके बगैर आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते, राइट? मुश्किल है काम करना. बेसिकली इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए रहता है, क्योंकि आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा अगर इनपुट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड की जरूरत है, और वही अगर आप डिजाइनिंग ड्राइंग कुछ करना चाहते हैं तो माउस की जरूरत है. तो ये कॉमनली इनपुट डिवाइस है, इनके बगैर आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते, याद रखिए. उसके अलावा आपको और स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस में मिलता है वेब कैमरा, जिसके जरिए आप अपना वीडियो या फोटो कंप्यूटर में देख सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. और ये वेब कैमरा मैं कौन सा यूज करता हूँ और डिवाइसेस अटैच करते समय इसे कैसे लगाना है, मैं आपको बताने वाला आगे. लेकिन साथ में अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहोगे तो लैपटॉप पे यहाँ पे, ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेब कैमरा और साथ में यहाँ पे माइक भी होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन. दोस्तों माइक्रोफोन के जरिए हम जो भी बोलेंगे वो आवाज इनपुट होगा ना. इनपुट वेब कैमरे के थ्रू हमारा वीडियो इनपुट होता है, माइक्रोफोन के जरिए हमारा आवाज यहाँ पे इनपुट होगा, साउंड, राइट? और यहाँ पे स्कैनर. स्कैनर क्या होता है कि स्कैनर के जरिए हम इमेजेस स्कैन कर सकते हैं. लेकिन स्कैनर यहाँ पे जो दिख रहा है इसे फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं. स्कैनर का एक ही टाइप नहीं है, ये स्कैनर का पहला टाइप मैंने आपको बताया, फ्लैट बेड स्कैनर, जहाँ पे आप फॉर्म, इमेजेस, फोटोज जो होते हैं ना वो स्कैन कर सकते हैं. दूसरा स्कैनर बारकोड स्कैनर, ये तो आपने देखा होगा, अलग अलग मेडिकल्स में भी होता है, शॉपिंग सेंटर में भी होता है बारकोड स्कैन करने के लिए, थोड़ा के ऊपर का, राइट? और यहाँ पे MICR स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर इसे बोला जाता है, याद रखिए. ये चेक बैंक में चेक रीड करने के लिए होता है, राइट? और उसके बाद OMR स्कैनर आता है. OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ये जो OMR शीट्स होती है ना, अगर आपने स्कॉलरशिप की एग्जाम दी है तो आपको पता रहेगा, वहाँ पे आंसर शीट को चेक करने के लिए होता है. नेक्स्ट स्कैनर है OCR स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये कोई पर्टिकुलर आपके पास सपोज नोट्स पड़े तो उसे रीड करने के लिए, उसके ऊपर का टेक्स्ट रीड करने के लिए वो यूज किया जाता है. तो यहाँ पे इस तरह के स्कैनर अवेलेबल होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस में पूरे आते हैं. और इनपुट डिवाइसेस में इसके अलावा क्या आता है, टाइप पेन, जो कि आप यहाँ पे इस पे सिग्नेचर करोगे तो वो कंप्यूटर में दिखाई देगी. और ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप निकालने गए होंगे तो भी आपने ये देखा होगा, वहाँ पे इस तरह की सिग्नेचर वहाँ पे ली जाती है आपकी, राइट? आगे है जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, ये इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. और आगे डिवाइस है ग्राफिक पैड, जो कि बहुत सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर में इसकी जरूरत होती है. आगे चलकर यहाँ पे देखिए, पहले हम डिवाइसेस समझ रहे हैं. प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है आपको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. भाई ये CPU है जिसके जरिए सारी चीजें प्रोसेस होती है. ये अगर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर चलेगा कैसे? ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का हार्ट भी इसे कहा जा सकता है, राइट? क्योंकि ये चालू रहेगा तो ही सब कुछ चलेगा. तो ये एक सिंगल चिप में रहता है, ये जो आपको कैबिनेट दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में आप देखोगे तो एक मदर
अंदर मतलब कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड रहता है और मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप जो हाथ में दिखाई दे रही है ना वो चिप रहती है। ये एक सिंगल चिप पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, राइट। और आउटपुट डिवाइसेस में तीन चीजें आती है, मॉनिटर आउटपुट में आता है, प्रिंटर और आउटपुट में आता है स्पीकर। अब मॉनिटर जो होता है ये आपको सॉफ्ट कॉपी देता है, यानी कि आप डिस्प्ले पता है आपको क्या आउटपुट आने वाला है और उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी देता है। एक बार प्रिंट आउट निकल गया तो भाई उसमें एडिट करना मुश्किल है, राइट, इसलिए उसे हार्ड कॉपी, प्रिंटर आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी, मॉनिटर आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। और स्पीकर का आउटपुट तो आपको पता है, बजाओ भाई एक म्यूजिक हो जाए, राइट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम अपने कंप्यूटर का बैक पैनल देखने वाले डिटेल में, और इसके ऊपर जो अलग अलग केबल्स हमें लगानी है उसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बार अगर आपने कंप्यूटर लिया तो कैसे लगाना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं केबल ले रहा हूँ, ये है पावर केबल जिससे हमारे कंप्यूटर को पावर मिलती है, ये पावर केबल होती है। ये केबल सारे के सारे मैंने यहाँ पे लेके रखे है, ये दूसरा एंड तो आपको लगाना है आपके जहाँ पे जहाँ से पावर आप इसे दोगे, राइट, आपके बोर्ड में इसे आपको लगा देना है। और यहाँ पे आपको ये जो पिन है ये पावर केबल एसी 230 वोल्ट में यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली आप इसे लगा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने में, बस इसे ऐसा प्रेस कर देना निकालते समय, बस ऐसा खींच लेना है, काम खत्म। ओके, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो पहले केबल हमने लगाना सीख ली। बहुत सारी केबल मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखी है जो बैक पैनल में लगती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन करके लगा के, राइट। इस केबल को इस तरह से लगाते हैं, ये पावर केबल है, दूसरा एंड लगा दो पावर को और चालू करो, मतलब अभी चालू मत करो, बाकी ये कनेक्शन लगा दो। उसके बाद मैं मॉनिटर का आउटपुट लगाने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ से, यहाँ पे देखिए मॉनिटर को हमें आउटपुट भेजना है, तो ये रहा वीजीए। देखिए दो तरह के आउटपुट आपको मिलते हैं, एक वीजीए मिलता है, वीजीए वीडियो ग्राफिक एडाप्टर वीजीए, और दूसरा एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम एचडीएमआई है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो नाम भी दिए रहता है, वो कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कैबिनेट पे यहाँ पे नाम दिया है। यहाँ पे एचडीएमआई केबल लगती है, उससे भी आउटपुट आता है, लेकिन उसके लिए मॉनिटर के ऊपर भी एचडीएमआई कनेक्शन होना चाहिए। तो एचडीएमआई कुछ इस तरह से केबल आपको दिखाई देगी, जो एचडीएमआई मॉनिटर अगर आपके सपोर्ट कर दे तो उसके लिए लगेगी। तो एचडीएमआई केबल डिस्प्ले यहाँ से आया, देखिए मैं सपोज ये केबल इस तरह से, ये कोई भी केबल उल्टी नहीं लग सकती, याद रखिए इनको एक प्रॉपरली स्लॉट दिए रहते हैं वैसे वो लगेगी। तो यहाँ पे आप लगाने जाओगे तो ऐसा, सपोज मैंने इसे उल्टा लगाने की कोशिश की, यहाँ पे नहीं होगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर इस तरह से उसका जो स्लॉट दिया है उस तरफ लगा देना है, बस एकदम सिंपल है, राइट। एचडीएमआई केबल ये भी डिस्प्ले देता है अगर आपके पास एचडीएमआई मॉनिटर सपोर्ट है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस वाला। अभी आजकल एचडीएमआई मॉनिटर आते हैं मेरे ऑफिस में, मैंने सारे एचडीएमआई लिए हैं, तो इसकी केबल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद ये जो एंड है इसका, इस एंड पे ये एचडीएमआई कनेक्शन है और दूसरा एंड भी ऐसे ही है, तो आपको मॉनिटर में भी यही पिन आपको दूसरे एंड से मिलेगी। और वीजीए का भी वैसे रहता है, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, तो ये जो पुराने मॉनिटर रहते हैं वीजीए सपोर्ट करते थे, उसमें 15 पिंस यहाँ पे नीडल्स रहती है, तो इसे आप उल्टा लगाने की कोशिश मत करो। अगर आपने इसे, ये ऐसा सीधा है, लेकिन आप इसे इस तरह लगाने जाओगे तो ये आप जबरदस्ती करोगे तो ये पिन टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक याद रखना है कि भाई ये स्क्रू थोड़े से पीछे खींच लो पहले, इसमें ये स्क्रू है साइड में दो, और फिर आप यहाँ पे देखो मैं इसे लगा रहा हूँ, अब ये स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इसको पूरा लगा दिया, स्क्रू को आपको इस तरह से टाइट करना है। देखिए एचडीएमआई में ऐसे कुछ स्क्रू नहीं है, वो यूएसबी की तरह ही होता है एचडीएमआई, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन ये वाला जो है इसमें आपको स्क्रू ऐसे टाइट करना है, निकालते समय ऐसे खींचना नहीं है। पहले बहुत सारे लोग पता नहीं रहता कि यहाँ पे स्क्रू है, तो ये पहले स्क्रू इसके क्या करो, लूज कर लो इसको भाई, और लूज करने के बाद तो ये निकल जाएगा, पहले इनको ऐसा लूज कर देना एंड देन यू कैन ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये वीजीए कैसे लगाना है, ये मॉनिटर आउटपुट, राइट, आपका डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर का भी आपको वायर मिल जाएगा, वो भी यूएसबी रहता है, कीबोर्ड माउस का भी यूएसबी रहता है, प्रिंटर कीबोर्ड माउस सबका यूएसबी मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैं कुछ यूएसबी कलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये कीबोर्ड का रहेगा, माउस का रहेगा, सब यूएसबी सेम रहते हैं, आपको यहाँ पे भी यूएसबी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो यूएसबी है, यहाँ पे दो यूएसबी है, और इसके अलावा और यूएसबी अगर आपको लगाने, मतलब चार यूएसबी तो है आपके पास, सपोज कीबोर्ड लग गया, प्रिंटर लग गया, माउस लग गया, स्कैनर लग गया, चारों लग गए, और आपको और एक यूएसबी लगाना है पेन ड्राइव वगैरह, तो उस टाइम पे आप फ्रंट पैनल में लगा सकते हैं, सीपीयू के आगे भी यूएसबी रहता है और वहाँ पे भी खत्म हो गए पूरे पूरे, तो आप यूएसबी एक्सटेंशन खरीद सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक इमेज रखी है। तो प्रॉपर आपको क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए बहुत सारे आप एक जगह पे बहुत सारी यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कौन सा यूज करें, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये यूएसबी पिन सभी के सभी इस तरह से लगा देनी है, राइट। यूएसबी पिन से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो कुछ इस तरह की पिन आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईबॉल का एक वायरलेस कीबोर्ड माउस है मेरे पास, तो उसका ये पिन छोटा सा मिल रहा है मुझे, ये अडेप्टर बोल सकते हैं आप इसे। तो ये यूएसबी अडेप्टर आपको क्या करना है, इसमें यूएसबी में लगा देना है बस। ये एक ही पिन से कीबोर्ड माउस दोनों चलते हैं, अगर आपने एक साथ कीबोर्ड माउस खरीदे हैं तो वायरलेस, राइट। तो एक ही पिन से दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाते हैं कीबोर्ड माउस और चालू हो जाते हैं। तो एक ही पिन लगाओ तो कीबोर्ड माउस चलेगा वायरलेस, टेंशन नहीं, वायर खिचड़ी नहीं बनानी आपको वायर की। तो आप वायरलेस खरीदेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वायरलेस कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा और मैंने कौन सा खरीदा, उसकी लिंक, सारी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा अच्छा रहेगा। अब मैं इनको यूज़ कर चुका हूँ और इसका यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ। अभी ये वायरलेस कीबोर्ड माउस काफी एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ आईबॉल का, एंड काफ़ी अच्छा है। उसके लिए मैं बैटरी कौन सा यूज़ करता हूँ ये भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में रहेगी आपके लिए, ताकि आप आगे चलकर कंफ्यूज ना हो भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा आपके लिए सभी चीज़ों का, ओके। और ऑफलाइन में लेना चाहते हो तो ऑफलाइन में ले सकते हैं। अभी ऑडियो लगाने के लिए सिंपल है, ऑडियो का पिन जो रहता है आपका वो यहाँ पे लगेगा, ऑडियो का पिन। अगर आपका ऑडियो और माइक है तो माइक का पिन यहाँ पे लगेगा, एम्पलीफायर का पिन यहाँ पे लगेगा। ये सारे पिन आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ऑडियो सुनना है तो यहाँ पे पिन लगाओ, आगे भी फ्रंट ऑडियो भी रहता है, सीपीयू के फ्रंट पैनल में भी ऑडियो रहता है। ऑडियो तो आप आसानी से लगा सकते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, राइट। तो बेसिकली हेडफोन लगाना वैसे ही है यहाँ पे। और उसके बाद ये है इंटरनेट RJ45 कनेक्टर, राइट, लैन कनेक्टर। तो यहाँ पे लैन कार्ड का पोर्ट आपको दिख रहा है, एक्चुअली अंदर नेटवर्क कार्ड इनबिल्ड रहता है मदरबोर्ड के साथ। तो ये जो होता है यहाँ पे आपको लगाना है आपका इंटरनेट का वायर, राइट। ये रहा RJ45 कनेक्शन के अंदर ये इंटरनेट की पिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, याद रखिए। और उसे निकालते समय आपको जब ये इंटरनेट की पिन निकालनी है तो इसमें एक नॉच रहता है छोटा सा, मैं आपको ये नॉच प्रेस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉच मैं प्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको आप ध्यान से देखिए, मैंने वैसे भी जूम करके दिखाया यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको प्रेस करूंगा, पहले प्रेस करूंगा और पीछे खींचूंगा, याद रखिए, प्रेस करके पीछे खींचूंगा तो ये निकल जाएगा। तो आप ये नॉच रहता है, लगाते समय आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लगा दो, निकालते समय ये लगा सकते हो। तो इंटरनेट की वायर इस तरह से यहाँ पे लगाई जाती है। तो बेसिक कनेक्शन है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है बैक पैनल में पावर लगता है, यूएसबी HDMI VGA कैसे यूएसबी दिया गया है, यहाँ पे भी यूएसबी एक्स्ट्रा दिया गया है आपको, यहाँ पे भी यूएसबी है, एक्चुअली यूएसबी बहुत सारे दिए गए, 6-6 यूएसबी मेरे पास इसमें, कभी कभी कैबिनेट में 4 यूएसबी रहते हैं बैक पैनल में। यहाँ पे लैन कार्ड लगेगा और यहाँ पे ऑडियो लग जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना ये कैबिनेट में इस तरह से, तो यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं, राइट। अब कीबोर्ड की चीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अल्फाबेट दिख रहे हैं इन्हें अल्फाबेटिक कीज कहा जाता है, अल्फाबेट टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। दूसरा यहाँ पे न्यूमेरिक कीज का आपको एक पैनल दिख रहा है, न्यूमेरिक कीज इन्हें कहा जाता है, नंबर टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूमेरिक कीज, याद रखिए। न्यूमेरिक एक सेक्शन आपको अलग सा मिल जाता है कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज, याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक्सक्लेमेटरी @ हैश डॉलर परसेंटेज ये ऐसे साइन मिल रहे हैं। और इन साइन को अगर आपको प्रेस करना है, मतलब आपको ये टाइप करना है, तो बेसिकली आपको शिफ्ट के साथ A1 प्रेस करना होगा। जब आप शिफ्ट होल्ड करके, याद रखिए, शिफ्ट को प्रेस करके 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे तो @, शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो हैश, इस तरह से आएगा। अगर आप विदाउट शिफ्ट करते हो तो ये 1 2 3 4 टाइप होने वाला है, राइट। तो आपको याद रखना है कि शिफ्ट होल्ड करना है आपको, ऊपर वाले ये जो सिंबल्स या जो भी दिख रहे हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से कह सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेविगेशन कीज। अगर पेज में अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मूव होना है तो नेविगेशन कीज की हमें जरूरत है। नेविगेशन कीज किसे कहा जाता है, एरो कीज इसे बोल सकते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट कीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्स्ट्रा कीज। जैसे कि हमें टेक्स्ट डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, या फिर पेज अप पेज डाउन, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, पेज के स्टार्टिंग में जाना है या पेज के एंडिंग में जाना है, या फिर प्रिंट स्क्रीन करना है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रिंट स्क्रीन भी आता है इसमें, एक्स्ट्रा कीज इन्हें कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फंक्शन कीज दिखाई दे रहा है, इनका रेगुलर सॉफ्टवेयर लाइक बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज नहीं होता, जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, वहाँ पे कुछ लाइक F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए, वैसे कुछ शॉर्टकट कीज यूज होती है, बाकी इसमें स्पेशलाइज एप्लीकेशन में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, याद रखिए। जैसे फोटोशॉप कोरलड्रॉ वगैरह में बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है, या फिर टैली में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये है फंक्शन कीज F1 to F12, याद रखिए, फंक्शन कीज जो टॉप में दिख रही है आपको कीबोर्ड पे, राइट। उसके बाद स्पेशल कीज की बारी आती है, स्पेशल कीज में एस्केप, टैब्स, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये जो पैनल दिख रहा है ना आपको, कंट्रोल, ये शिफ्ट इधर भी है, शिफ्ट इधर भी है, वो इसलिए क्योंकि आप लेफ्ट साइड से भी, सपोज मुझे शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है तो मैं शिफ्ट ए लेफ्ट हैंड से प्रेस कर सकता हूँ, राइट साइड का मुझे शिफ्ट और ये कॉलम प्रेस करना है तो राइट साइड का शिफ्ट और कॉलम में प्रेस कर सकता हूँ, तो इसके लिए दोनों जगह पे शिफ्ट दिया है।
याद रखिए फास्ट टाइपिंग करने के लिए ये की ज्यादा यूज होती है शिफ्ट वगैरह, तो इसके लिए दिए गए हैं, क्योंकि शिफ्ट के साथ अल्फाबेट कैपिटल करना है तो आप उस शिफ्ट के साथ ही कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल एक अल्फाबेट कैपिटल करना है पूरे इसमें तो शिफ्ट के साथ, और पूरे अल्फाबेट कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक ऑन रखना है, कैप्स लॉक ऑन रखते यहां पे कैप्स लॉक की बत्ती जल जाती, लाइट जल जाती, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए और पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं। कैप्स लॉक बंद करते यहां पे लाइट बंद हो जाती है, और कैप्स लॉक ऑन रहेगा यानी कि लाइट ऑन रहेगी तो कैपिटल टाइप होगा, कैप्स लॉक दोबारा प्रेस करोगे तो स्मॉल टाइप होगा कीबोर्ड के ऊपर। शिफ्ट से क्या होगा कि कोई अल्फाबेट एक कैपिटल करना है तो शिफ्ट होल्ड कीजिए और अल्फाबेट टाइप कीजिए, शिफ्ट छोड़ दीजिए और फिर टाइप कीजिए, वो स्मॉल आएगा अगर कैप्स लॉक बंद है तो। कंट्रोल और उसके साथ भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे बनती है, और ढेर सारी शॉर्टकट कीज़ का ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर वीडियो बनाया है, तो ये स्पेशल कीज़ कहा जाता ही नहीं। तो मैंने बेसिकली सारी कीज़ बताई जो कि कीज़ आपको दिखाई दे रही है कि अल्फाबेटिक किसे कहा जाता है, न्यूमेरिक किसे कहा जाता है, या फिर फंक्शन की क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, एक्स्ट्रा कीज़ एंड स्पेशल कीज़। ओके, इन कीज़ को याद रखिए, कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड पे फास्ट टाइप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक डेस्क पे दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं मैं कीबोर्ड पे ऊपर। तो ये दोस्तों माउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी बहुत छोटी है। माउस में आपको एक लेफ्ट क्लिक मिलता है, यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन मिलता है बीच में, और एक राइट क्लिक आपको यहाँ पे मिलता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल क्लिक एंड ड्रैग के लिए होता है, डबल क्लिक के लिए होता है, ट्रिपल क्लिक के लिए होता है, और राइट क्लिक खाली राइट क्लिक ही होता है। जब भी मुझे लेफ्ट क्लिक करना है तो मैं खाली क्लिक ही बोलूंगा, याद रखिए। अगर मैं क्लिक बोलूंगा तो आपको ये नहीं पूछना है कि राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक को खाली क्लिक बोला जाता है, राइट क्लिक को राइट क्लिक बोला जाता है, याद रखिए। और बीच में स्क्रॉल बटन होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ये जो बीच में आपको स्क्रॉल बटन दिख रहा है वो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, स्क्रोलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और इसे इन्वेंट किया है डॉगलस एंगलबार्ट नाम के साइंटिस्ट ने, पहला माउस कुछ इस तरह से दिखता था जो कि आपको इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों डेस्कटॉप के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, इन्हें आइकॉन्स कहा जाता है, याद रखिए इन्हें आइकॉन्स कहा जाता है। पीछे बैकग्राउंड में वॉलपेपर जो दिख रहा है ना, ये वॉलपेपर होता है, और बेसिकली नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा, आपको मैं फोकस करके भी दिखा देता हूँ चाहिए तो, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा टास्क बार है, याद रखिए ये टास्क बार है। लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन मिल रहा है, राइट साइड में आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह मिलता है टास्क बार पे, और आपने कुछ प्रोग्राम सेट किए रहेंगे टास्क बार के ऊपर या रिसेंट ओपन किए रहेंगे तो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो टास्क बार आपको पता चला है, आइकॉन्स पता चला, लेकिन आइकॉन्स में येलो कलर के जो आइकॉन होते हैं उन्हें फोल्डर कहा जाता है। जैसे ये एक्सेल फाइल्स करके आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, एड इंस करके आइकॉन दिखा, मतलब ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, माजा कोर्स है, रजिस्ट्रेशन फाइल्स, एम्प्लॉय फॉर्म, तो ये सारे जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये फोल्डर्स है। और ये जो आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फाइल्स है, जैसे यहाँ पे एक्स का आइकॉन आ रहा है ना, ये फाइल्स है, ये इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज फाइल है, तो आपको ये डब्ल्यू दिखाई दे रहा है वर्ड फाइल है, और कुछ आइकॉन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें एरो है, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के शॉर्टकट है, जैसे टीम व्यूअर है, व्हाट्सएप स्टार्ट करने का शॉर्टकट है, यहाँ पे डेस्कटॉप व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल किया है, या फिर आपको यहाँ पे क्रोम दिख रहा है तो क्रोम के यहाँ पे भी एरो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ना ये एरो वाले प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम के शॉर्टकट है। बेसिकली यहाँ से आपने ये डिलीट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये प्रोग्राम इंस्टॉल अंदर रहता है, इंस्टॉल और अनइंस्टॉलेशन में कंट्रोल पैनल के सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल है, वहाँ से आप अनइंस्टॉल करोगे तो निकल जाएगा, यहाँ से इन आइकॉन को एडिट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स है, एरो वाले सारे के सारे शॉर्टकट है, येलो वाले फोल्डर से, ये आपको पहले पता रहना चाहिए, जिसके अंदर और भी फाइल्स आप रख सकते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय करके फोल्डर है, मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ और फाइल आपको दिखाई दे रही है, जैसे आपको अलग अलग फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, हर एक के अंदर मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइल रखी है, मैं मेरा एक्चुअल काम करने वाला ही जो कंप्यूटर है उसको ही दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो आपको ये पता चला कि ये फोल्डर कौन से, फाइल्स कौन से, और प्रोग्राम के शॉर्टकट कौन कौन से है। अगर मैं कोई फोल्डर में फाइल रखना चाहता हूँ, यहाँ पे चार पांच फाइल है, सपोज ये तीन फाइल है, ये तीनों फाइल मैंने ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट की, देखिए इसको सिलेक्ट करने का दो तरीका है, एक आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करना है आपको, इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करना है, और आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर कॉपी या कट कर सकते हैं। देखिए कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी मतलब डुप्लीकेट होना, कंट्रोल सी भी आप प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। मैंने कॉपी किया और मैं एम्प्लॉय फोल्डर में रखना चाहता हूँ इन तीनों फाइल को, तो मैं एम्प्लॉय फोल्डर भी लेता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसे और पेस्ट करूंगा, देखिए एम्प्लॉय फोल्डर में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर रहा, राइट क्लिक, माउस का राइट बटन प्रेस करना याद रखिए, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, ये माउस के इंट्रोडक्शन में देखा हमने, राइट पेस्ट, तो यहाँ पे देखिए हो चुका है ये पेस्ट, ये तीनों भी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर नीचे आ गई है, तो ये तीनों फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई, यहाँ पे भी है क्योंकि मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है, याद रखिए कॉपी पेस्ट,
दूसरा होता है कट पेस्ट। अगर मैं ये फाइल यहाँ से शॉर्टकट फाइल है, ये राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसे कट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो वहाँ से ये मूव हो जाएगी। आप इसे ऐसा उठा के भी रख सकते हैं, ये देखिए उठा के भी आपने रखा तो भी चलेगा। तो फाइल फोल्डर्स कैसे इस्तेमाल करना है आपको डेफिनेटली समझा होगा, मूव कैसे करना है। अगर नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और फोल्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, राइट क्लिक न्यू और फोल्डर। नया फोल्डर आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं खुद के नाम का, जैसे मुझे मेरे नाम का बनाया है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन मेरे नाम का और फोल्डर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं बनेगा, राइट। याद रखिए एक ही फोल्डर बनेगा एक नाम का। एक घर में दो नाम के बच्चे तो मतलब सेम नाम के बच्चे तो नहीं होते, दो अलग अलग नाम के बच्चे रहेंगे, राइट। वैसे ही कुछ ये है। तो यहाँ पे आपको सतीश नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसको ओपन कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें फाइल रखनी है वो कैसे रखनी है, आपको मूव करनी है तो इन तीनों को सिलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, तो यहाँ से फाइल चलेगी, लेकिन ये इसके अंदर है। राइट क्लिक करके इन फाइल का व्यू भी आप बदल सकते हैं कि आप इन्हें कैसे रखना चाहते हैं। लार्ज आइकॉन तो आपको इमेज दिखाई देगी, व्यू में जाकर एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन बड़ी दिखाई देगी, राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, लार्ज आइकॉन मीडियम आइकॉन, यहाँ पे उसका व्यू सेट रहता है। ये बेसिक जानकारी सबको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में, इसलिए मैं पूरा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इंट्रो में पहले सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। शॉर्ट कैसे करना है आपको, डेट वाइज शॉर्ट करना है, नेम वाइज जनरली शॉर्ट है, एबीसीडी वाइज आएंगे, डेट वाइज करना है तो डेट मॉडिफाई वाइज शॉर्ट हो जाएंगे, पहला जो बनाया बाद में जो बनाया उसके वाइज वहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको बेसिकली राइट क्लिक करके फोल्डर कैसे बनाना है, राइट क्लिक करके आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मूव कैसे करना है वो भी पता चला होगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कोई नया फाइल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड का या एक्सेल का फाइल बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हैं। देखिए देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम रखा आईएमपी फाइल, कुछ भी आपको नाम देना है, और एंटर कीजिए, यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सेल वर्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ओके है, इतना ज़्यादा इतना डिटेल ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं उसमें कुछ। और उसके साथ साथ राइट क्लिक करके पर्सनल सेटिंग भी यहाँ पे दी जाती है, जो भी आपको चेक करनी चाहिए कि भाई आपका डेस्कटॉप का वॉलपेपर जो है मुझे ये रखना है, तो मैं इसे रख रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, सपोज मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये पहले पोजीशन पे आ जाएगा, ऊपर देखिए और पीछे भी देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। राइट क्लिक कीजिए, पर्सनल में जाइए, डेस्कटॉप का आइकॉन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर, लॉक स्क्रीन और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली डेस्कटॉप वॉलपेपर वगैरह बदलना सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती है। आपको ये डेस्कटॉप की सेटिंग्स जैसे कि पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, टास्क बार के बारे में, टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए और लॉक द टास्क बार, ये हमेशा चेक रहता है। देखिए मैं इसे अगर अनलॉक कर देता हूँ तो मैं टास्क बार को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, टास्क बार को उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, आपको पता होनी चाहिए। टास्क बार पे क्लिक करो, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखो और खींचो 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 और रखो, खींचो और रखो, राइट। राइट क्लिक करके लॉक कर दो टास्क बार को, या फिर टास्क बार से रिलेटेड और भी सेटिंग, जैसे टास्क बार सेटिंग में जाओ, थोड़ी बहुत सेटिंग और भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो हाइड ऑप्शन भी मिल जाता है, ये लॉक द टास्क बार भी मिल रहा है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार ऑन डेस्कटॉप मोड। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे ऑन करूँगा टास्क बार गायब, अब टास्क बार है क्या, है अभी, लेकिन डेस्कटॉप मोड में, जैसे मतलब माउस में मैं अभी देखिए नीचे आऊँगा माउस लेके तो टास्क बार दिखाई देगा, ऊपर रहेगा माउस तो नहीं दिखाई देगा। तो टास्क बार हाइड करना है टेम्पररी, तो आप हाइड कर सकते हैं, आपको दोबारा रखना है तो मतलब दोबारा उसे प्रॉमली रखना है तो माउस लेके आ जाओ, दिखाई देगा, राइट क्लिक करो, टास्क बार सेटिंग में जाओ और इसमें जाकर इसे ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार ऑन डेस्कटॉप मोड, और बाकी सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर सकते हैं आप। चेक करने में क्या जाता है, R&D कर लो यार, पहली बार चीज़ें सीख रहे हो, तो लॉक द टास्क बार ऑन ही रखो, टास्क बार लॉक करना है तो। टास्क बार के साथ जो चीज़ें की वैसे आइकॉन के साथ भी कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन के साथ क्या कर सकते हैं इसको देखने के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, व्यू में जा रहा हूँ, और व्यू में जाकर यहाँ पे देखिए ऑटो अरेंज आइकॉन्स, अलाइंस आइकॉन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, शो डेस्कटॉप आइकॉन, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे आइकॉन्स गायब, क्या बात है, आपको डेस्कटॉप क्लीन मिल रहा है। राइट क्लिक कीजिए और फिर से आप व्यू में जाइए और शो डेस्कटॉप आइकॉन, आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते आपके ऊपर है, पूरा डेस्कटॉप क्लीन रखना चाहते हैं। ऑटो अरेंज अलाइन, ये दोनों को चेक रखा गया है, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, चेक दोनों को चेक हटा देता हूँ, इससे क्या होगा, देखिए दोनों का चेक अगर मैं हटा देता हूँ, ये देखिए मैं दोनों पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा, चेक गया अभी, अब देखेंगे दोनों पे भी क्लिक नहीं है, चेक नहीं है, राइट टिक नहीं है वो, तो आप इन आइकॉन को कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रैंडमली रख सकते हैं इन आइकॉन्स को आप ड्रैग करके, अब देखिए कहीं पे भी रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू में जाऊंगा और मैं इसे अलाइन टू ग्रिड करूंगा, तो ये ग्रिड में होंगे, मतलब अभी क्या होगा, अलाइन टू ग्रिड मतलब ये कहीं पे भी रख रहे थे, अभी एक तो ऊपर
लाइन में आएंगे नहीं तो नीचे लाइन में आएंगे। देखिए ऊपर आएगा एक लाइन में आएंगे, एक लाइन में आएंगे पूरे पूरे, मतलब ये कहीं पे भी नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था, अलाइन टू ग्रिड हो जाएगा, ग्रिड में आएंगे एक लाइन में सब रहेंगे। अगर मैं इसे ऊपर लूंगा तो इसी के लाइन में ही आ जाएगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। और ऑटो अरेंज अगर मैं करता हूँ तो ये सारे अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में, यहाँ पे इधर उधर नहीं फैलेंगे, राइट। तो ये आपके ऊपर है, ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है नहीं करनी है मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक फाइल है, ये आपने डिलीट कर दी कीबोर्ड से, आई एम पी फाइल डिलीट कर दी, यहाँ से गायब होगी, लेकिन वो फाइल आपको रिसाइकल बिन में मिलेगी। रिसाइकल बिन में यहाँ पे बहुत सारी फाइल आपको रहती है जो डिलीट की फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो मैंने जो आई एम पी फाइल डिलीट की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये रहा, राइट। डिलीटेड फाइल आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और रिस्टोर बटन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो अभी वो फाइल वापस आ गई। तो आप ऐसे टेम्पररी डिलीट करना इसे बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे नीचे तो डिलीट करो वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। रिसाइकल बिन ओपन करो, यहाँ पे रिसाइकल बिन आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, हर एक कंप्यूटर में होता है बेसिकली, राइट। तो इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिस्टोर करो, और आपको ये फाइल परमानेंट डिलीट करनी है तो इस पर क्लिक करो, शिफ्ट डिलीट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करो। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली दिस फाइल, मतलब ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, इसलिए श्योर पूछ रहा है भाई, श्योर है कि आप, यस मुझे फाइल की जरूरत नहीं, परमानेंट डिलीट कर दो, ये स्पेस ले रहा है मेरे कंप्यूटर में। तो इतनी सारी चीजें डेस्कटॉप सेटिंग्स से रिलेटेड मैंने बताई, जो कि आप कंप्यूटर में बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल है सारी सेटिंग्स, राइट। और लास्ट सेटिंग मैं बताना चाहूंगा, कोई भी प्रोग्राम अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, उस प्रोग्राम का नाम लिखो, वर्ड स्टार्ट करना है वर्ड, एक्सेल स्टार्ट करना है एक्सेल, पावर पॉइंट स्टार्ट करना है पावर पॉइंट, यहाँ से आप टाइप करके सिंपली उसे स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राइट क्लिक करने से जो ऑप्शन आते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या यूज होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आज मैं आपको बनाया हूँ। तो आप ये वीडियो को जरूर पूरा देखें और बताएं आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करने के बाद व्यू आता है हमारा ऑप्शन, व्यू में सबसे पहले आता है लार्ज आइकन, ये जो आइकन दिख रहा होगा आपका ये लार्ज हो जाएगा, इसमें बड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है मीडियम आइकन, ये मीडियम साइज में हो जाएगा, और इसका ये इसके बाद स्मॉल आइकन आ रहा है तो ये स्मॉल साइज में हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है आता है ऑटो अरेंज, अपने आप ये अरेंज हो जाएगा, जैसे कि हम देखते हैं जब सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक एक मिनट ऑटो अरेंज पर हम क्लिक हटा देते हैं पहले, और यहाँ देखे हमने इधर कर दिया, और इसको हम चाहते हैं कि अपने आप अरेंज हो जाए, तो इसके लिए हम व्यू में जाते हैं और ऑटो अरेंज पर हम क्लिक करेंगे तो अपने आप ये अरेंज हो गया, देखिए साइड में अपने आप लग गया ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है ये अलाइन आइकॉन टू ग्रेड, इसका मतलब ये होता है जैसे कि अब देखिए अभी जो है हम इसको पहले हटा देते हैं, और हटाने के बाद जैसे कि हम देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट नहीं हटा लगता है, इसे भी ऑरेंज को भी हटा देते हैं और शॉर्ट में जाके यहाँ से देखिए यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, मतलब ये देखिए एक लाइन में आ रहा है, लाइन में नहीं आ रहा है, सॉरी तो लाइन में नहीं आ रहा है, इसको लाइन में लाने के लिए अपने आप ये लाइन में आ जाए, आगे पीछे ना रहे ज्यादा से ज्यादा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं आके और यहाँ पर आके जो इस पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो ये देखिए साइड में क्योंकि लाइन में आ जाए अपने आप, तो ये होता है इससे इस ऑप्शन से। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये शो डेस्कटॉप आइकन है, इसको हाइड करना चाहते तो पूरे ही आइकन जो भी आइकन होगा डेस्कटॉप पर वो सब आपका हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है शो आइकन, ये फिर शो हो जाएगा उसी से जस्ट, और ये आता है ये शो डेस्कटॉप गैजेट्स, इसके आप गैजेट्स लेने के लिए पहले बताऊंगा फिर जाके ये शो और हाइड करने के लिए बताऊंगा इस ऑप्शन को भी। यहाँ से जाके हमारा जो गैजेट्स है यहाँ पर आके और यहाँ से हम कोई भी गैजेट्स को ले सकते हैं, जैसे ये हो गया कैलेंडर हो गया वॉच हो गया हमने ले लिया, अब इसको हाइड शो करना हो तो यहाँ से आप जाके व्यू में जाके आप हाइड कर दो, आप हाइड हो जाएगा हमारा, तो जो गैजेट्स होते हैं उसे हम ले सकते हैं और यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है व्यू नेम वाइज शॉर्ट, जो है शॉर्ट नेम, इसमें शॉर्ट नेम में सबसे पहले नेम वाइज जो भी नेम रहेगा शुरुआत से उस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इसमें आप साइज वाइज जितना जो केवी का होगा उसके हिसाब, सबसे ज्यादा ये केवी का है और ये 153 MB का, इसलिए इसके बाद ये वाला है आपका 61 MB का, और ये इसके बाद ये वाला है आपका 28 MB का, तो साइज वाइज साइज आपका ये फिट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है आपका आइटम वाइज जो नाम रहेगा, जैसे रिसाइकल बिन कंप्यूटर का आइटम है, इसके बाद आपका ये जो है फोल्डर आएगा, इसके बाद जो है सीट आएगा, इसके बाद फोटो आएगा, इसके बाद सीरीज में आ जाएगा ये भी,
इसके बाद नेक्स्ट ये डेट मॉडिफाई मतलब डेट के हिसाब से जो सबसे लास्ट में सेव किया होगा सबसे ऊपर आएगा, बाकी बात सबसे जो पहले सेव किया होगा सबसे बाद में आ रहा है। जैसे कि ये रिसाइकल बिन कंप्यूटर, हम जब इस कंप्यूटर में लैपटॉप में आप विंडो डालते हो उसी समय रिसाइकल बिन आता है, सबसे लास्ट में आ रहा है इसलिए क्योंकि सबसे पहले डाला गया है और लास्ट में हम सबसे लास्ट में ये डाला गया मतलब ये वीडियो मैंने रखा था और इसलिए सबसे पहले आ रहा है कोने में। इसके बाद हम इसमें रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश जैसे होता है कि अगर कोई प्रोसेसिंग में है और अनयूज्ड है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में हो रहा है बिना काम का, तो उसको रिफ्रेश करके ये सही कर देगा और हटा जो हटाने का वो उसको हटा देगा, जो प्रोसेसिंग करने का उसको थोड़ा फास्ट कर देता है। रिफ्रेश का मतलब ये होता है इसमें। इसके बाद कॉपी पेस्ट, जैसे कि अभी ये हो गया, अब इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कोई जैसे ये वाला हो गया हमारा और या ये वाला, इसको हम कॉपी पेस्ट करना, जो कॉपी कर देते हैं और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आता है तो पेस्ट से तो नॉर्मल पेस्ट हो जाता है, बस शॉर्टकट की अगर पेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की होगा बहुत ईजी तरह से, मतलब इसी का ये शॉर्टकट की बना है, ये अलग से नहीं आया है, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो यही आपका होगा और यही ओपन होगा और ये अकेला नहीं होगा, इसको हम डिलीट करते हैं तो ये भी डिलीट होगा, मतलब पेस्ट में क्या होता है डबल आ जाता है मगर ये इसका शॉर्टकट की फिर बना है। नेक्स्ट ये आपका मगर हम शॉर्टकट की हटाना चाहो तो कंट्रोल जेड करके सॉरी डिलीट करेंगे कुछ भी, जैसे हम यहाँ से राइट क्लिक करके और डिलीट कर दिए और डिलीट करने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर अंडो करना चाहो तो डिलीट का जो भी हमने किया था वो आ जाएगा दोबारा, ये देखो यहाँ पर शॉर्टकट की आ गया जो दोबारा जो मैंने डिलीट किया था। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये इनविडिया कंट्रोल पैनल है, ये इनविडिया का जो हमारे पास कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है उसका ये कंट्रोल पैनल है और उसमें दिखाएगा कि आपका 3D किस तरह से चलेगा, एडजस्टमेंट इमेज किस तरह से चलेगा, इस तरह से पूरा ये सेटिंग है। इसके बाद यहाँ से हमारा आता है न्यू, न्यू में बहुत सारे न्यू आप फोल्डर बना सकते हो, किसी का शॉर्टकट की बना सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो सॉरी, और इसके बाद आपका इसमें न्यू एक्सेस अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे जिसका कि आप शॉर्टकट ले सकते हो, जैसे कि मुझे MS Word का लेना है तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ये MS Word का शॉर्टकट क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोबारा तो हमारा हमेशा न्यू खुलेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर खुलता है तो शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पर बना कर रख सकते हैं, इसको कहीं पर भी वैसे हम रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रेवोल्यूशन, ये हमारा जो स्क्रीन है स्क्रीन से ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए रेवोल्यूशन हमारा होता है, जैसे यहाँ पर देखो आप इसमें हमारा 1366 है 768 है तो आप यहाँ से इसमें कम करोगे रेवोल्यूशन, देखो ये इसका साइज जो है कम हो रहा है, इससे भी कम करोगे ये जैसे कम करते जाओगे और अगर मैं अभी कम कर दूँ तो ये रिकॉर्डिंग होना ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन में, ये जो इसका रेवोल्यूशन है स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, ये डेस्कटॉप का प्लस स्क्रीन का जो है साइज फिट नहीं हो रहा है तो इसलिए आप इसका मतलब इसमें फिट कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे हमने इसमें डाला सबसे ज़्यादा ये बेटर है और इसमें अप्लाई करने पर कोई वो चीज़ नहीं होता। इसके बाद आप अपना जो स्क्रीन है उसको लैंडस्केप और इसको आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हो, और पोर्ट्रेट अभी करूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें देख ले ऐसे करके ऐसे आगे चौराहे में आ जाएगा आपका ये लंबाई में आ जाएगा आपका ये स्क्रीन जो भी है, हम इसको लैंडस्केप ही रहने देते हैं और इसको ओके करके हम बाहर निकल जाते हैं। फिर राइट क्लिक करने पर नेक्स्ट हमारा गैजेट का मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग गैजेट्स होता है इसमें से आप कोई भी ले सकते हो और बहुत अच्छा लगता है कि आप स्क्रीन पर कुछ इस तरह का हो तो अच्छा लगता है, दिखने में भी लगता है अच्छा। ये नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ये आपका पर्सनलाइज में बहुत सारी चीज़ें वैसे आते हैं तो अभी तो नॉर्मल हम इसमें कोई फोटो वोटो हम बदल सकते हैं, जैसे यहाँ देखें ये पिक्चर वॉलपेपर जो इसका बदल चुका है, स्क्रीन का डेस्कटॉप जो वॉलपेपर होता है वो बदल चुका है तो ऐसे ही आप बदल सकते हैं इसमें, और इसमें और भी यहाँ से देखिए आप बदल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे वॉलपेपर अपने आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाके और 30 मिनट के बदले में आप मात्र आप 10 सेकंड कर दो और 10 सेकंड करके ये जितना भी वॉलपेपर है ना यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है अपने आप ये बदलेगा, अब 10 सेकंड पर बदलते रहेगा। इसके बाद यहाँ से आप इसे क्लोज कर दो, देखो 10 सेकंड में ये बदल चुका है और दूसरा भी 10 सेकंड के जैसे ही होगा अब ऐसे ही अपने आप बदल जाएगा। तो हम नेक्स्ट आगे इसी में बढ़ते हैं, आपको पर्सनलाइज में ही देखो बदल चुका है तो पर्सनलाइज में आप क्लिक करोगे जैसे स्क्रीन सेवर होता है तो अपना नाम लगा सकते हो इसमें, तो इसके लिए अगर हम टाइम चेंज करना चाहते हैं तो टास्क बार के ऊपर लास्ट में यहाँ पे टाइम और डेट आ रहा है इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर टाइम डेट डिस्प्ले हो रही है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन है
चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, डेट एंड टाइम। यहाँ पे टाइम और डेट चेंज करने के लिए चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर यहाँ पे टाइम और डेट की सारी सेटिंग्स आ रही है, जो भी आपको डेट और टाइम चाहिए वो यहाँ से आप एडजस्ट कर लो। जैसे भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं जैसे भी चाहो। और सेटिंग कर लेने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फर्दर ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसी के ऊपर फिर दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमने टाइम और डेट सेट की थी वो यहाँ पे चेंज हो गई है। थैंक यू। What is the full form of CPU? Answer: Central Processing Unit. Full form of RAM? Answer: Random Access Memory. Full form of ROM? Answer: Read-only memory. Full form of BIOS? Answer: Basic Input-Output System. Full form of HDD. Answer: Hard Disk Drive. Full form of SDD. Answer: Floppy Disk Drive. Full form of KBD. Answer: Keyboard. Full form of I/O. Answer: Input and Output. Full form of CD. Answer: Compact Disc. Full form of DVD. Answer: Digital Video Disc. 4 bits is equal. Answer: 1 nibble. 8 bits is equal. Answer: 1 byte. 1024 bytes is equal. Answer: 1 kilobyte or 1 KB. 1024 KB is equal. Answer: 1 megabyte or 1 MB. 1024 megabyte is equal. Answer: 1 gigabyte or 1 GB. 1024 GB is equal. Answer: 1 terabyte or 1 TB. 1024 terabyte is equal. Answer: 1 petabyte or 1 TB. 1024 petabyte is equal. Answer: 1 exabyte or 1 EB. 1024 exabyte is equal. Answer: 1 zettabyte or 1 ZB. 1024 zettabyte is equal. Answer: 1 yottabyte or 1 YB. Full form of SMPS. Answer: Switch mode power supply. Full form of POST, POST. Answer: Power on, self test. Full form of PROM. Answer: Programmable read only memory. Full form of VIDEO. Answer: Visual display unit. Full form of LED. Answer: Light embedded diode. Full form of LCD. Answer: Liquid crystal display. Full
Simple form of USB. Answer: Universal Serial Bus. Full form of VGA. Answer: Video Graphics Array. Full form of LAN. Answer: Local Area Network. Full form of WAN. Answer: Wide Area Network. Full form of MEN. Answer: Metropolitan Area Network. Full form of HLL. Answer: High Level Language. Full form of LLL. Answer: Low Level Language. Full form of MIPS. Answer: Million of Instruction Per Second. Full form of Mbps. Answer: Megabytes Per Second. Full form of Kbps. Answer: Kilobytes Per Second. Full form of Gmail. Answer: Google Mail. Full form of www. Answer: World Wide Web. Full form of IP. Answer: Internet Protocol. Full form of ISP. Answer: Internet Service Provider. Full form of HTTP. Answer: Hypertext Transfer Protocol. Full form of HTTPS. Answer: Hypertext Transfer Protocol Secure. Full form of VPN. Answer: Virtual Private Network. Full form of URL. Answer: Uniform Resource Locator. Full form of virus. Answer: Vital Information Resources and the Seas. Full form of 3G. Answer: Third Generation. Full form of GSM. Answer: Global System for Mobile Communication. Full form of CDMA. Answer: Core Division Multiple Access. Full form of UMTS. Answer: Universal Mobile Telecommunication System. Full form of SIM. Answer: Subscriber Identity Module. Full form of AVI. Answer: Audio Video Interleave. Full form of RTF. Answer: Real Time Streaming. Full form of Wi-Fi. Answer: Wireless Fidelity. Full form of MP3. Answer: MPEG Audio Layer 3. Full form of PCU. Answer: Public Call Office. Full form of GIF. Answer: Graphic Interchangeable Format. Full form of JPEG. Answer: Joint Photographic Expert Group. Full form of BMP. Answer: Bitmap. Full form of SWF. Answer: Shockwave Flash.
Full form of PNG. Answer: Portable Network Graphic. Full form of DOC. Answer: Document. Full form of PDF. Answer: Portable Document Format. Full form of HTML. Answer: Hypertext Markup Language. Full form of WML. Answer: Wireless Markup Language. Full form of STD. Answer: Subscriber Trunk Dialing. Full form of ISD. Answer: International Subscriber Dialing. Full form of CRT. Answer: Cathode Ray Tube. Full form of DOS. Answer: Disk Operating System. Full form of GUI. Answer: Graphical User Interface. Full form of OTG. Answer: On the go. Full form of CMD. Answer: Command Prompt. Full form of IC. Answer: Integrated Circuit. Full form of TCP. Answer: Transmission Control Protocol. Full form of UPS. Answer: Uninterruptible Power Supply. Full form of IDM. Answer: Internet Download Manager. Full form of VHF. Answer: Very High Frequency. Full form of UHF. Answer: Ultra High Frequency. Full form of GPRS. Answer: General Packet Radio Service. Full form of MTFS. Answer: New Technology File System. Full form of FAT. Answer: File Allocation Table. Full form of MS. Answer: Microsoft. Full form of IBM. Answer: International Business Message. Full form of HP. Answer: Hewlett Packard. Full form of Update. Answer: Up to Date. Full form of SD. Answer: Secure Digital. Full form of MMC. Answer: Multimedia Card. Full form of AMF. Answer: Adaptive Multi-Rate Codec. Full form of AAC. Answer: Advanced Audio Coding. Full form of IMEI. Answer: International Mobile Equipment Identity. Full form of DBMS. Answer: Database Management System. Full form of SQL. Answer: Structured Query Language. Full form of SIS. Answer: System. Full form of config.
Answer: configuration. Full form of CTRL. Answer: control. Full form of alt. Answer: alternate. Full form of ESC. Answer: scap. Full form of del. Answer: delayed. Full form of WMP. Answer: Windows Media Player. Full form of SP. Answer: